वीडियो कॉल पर सेड्यूस करने का काम करते हैं, उन एक्स मुस्लिम लड़कियों के कपड़े उतरवाते हैं, उनके वीडियो शूट करते हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये सब है। तो साहिल साहब ने ये कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में बनाएंगे, पहले हम अपनी जान ही बचा ले, हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं, जो कि असल में साहिल भाई की एक्टिविटी को देखते हुए लगता नहीं है, क्योंकि वो अजमेर राजस्थान चले जाते हैं घूमने, दरगाह पर चले जाते हैं और वहाँ उनका जो गाइड होता है वो एक मुसलमान होता है। इससे इतनी प्रॉब्लम है कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके सनातन में आ जाए तो आप उसका बायकॉट कर देंगे, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सनातनियों से सुपर चैट मांगे, उनसे आप मदद मांगे, उनसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन मांगे, फिर आप हिपोक्रेट हैं। और जो आप दे रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एडम साहब को, उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारे एडम भाई डिस्कॉर्ड पर बाकायदा सर्वर चलाते हैं, जहां पर उन्होंने अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं। एग्नोस्टिक का अलग है, हिंदू सनातनियों का अलग है, वहां पे मीठी मीठी बातें होती है। एग्नोस्टिक को जो है कन्विंस किया जाता है क्रिश्चियनिटी के लिए, और बाकायदा एक क्रिश्चियनिटी का अलग सर्वर है उनका, उसके अंदर सारे क्रिश्चियन लोग हैं और वहां बैठ करके ये मीटिंग की जाती है कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को फैलाना है और किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करना है। और हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है समीर, साहिल और एडम शेखर, इन तीनों में क्या कंट्रोस है। वो लोग तीनों क्यों एक दूसरे के चैनल पे नहीं आते, उसके बारे में पूरा डिटेल आज वीडियो में पूरा डिटेल्स बता रहे समीर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। साहिल एंड एडम के साथ क्या कंट्रोवर्सी है, हमारे इन सरनो जी पूछ रहे हैं। सर, साहिल के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एडम के साथ कंट्रोवर्सी है, और वो मैंने नहीं, एडम ने क्रिएट की है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग की बात है तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी एक साथ, जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे। उस टाइम पे मैंने एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था रॉब क्रिश्चियन के चैनल पर जाकर, एडम साहब के इन्फ्लुएंस में आकर के। तो मैंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और मेरी वो टेस्टिमनी आज भी रॉब क्रिश्चन के चैनल पर पड़ी है, आप जाकर के सुन सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने चीज़ों को पढ़ा और समझा तो मैंने देखा कि यहाँ तो इस्लाम की से भी ज़्यादा गंद भरा पड़ा है क्रिश्चियनिटी में, तो मैंने उसको सर छोड़ दिया। इस बात से हमारे एडम साहब मुझसे खफा हो गए और साहिल के ऊपर, साहिल के लिए की गई स्ट्रीम जो कि मैंने उनके सपोर्ट में ही की थी, लेकिन तीन सजेशन रखे थे उसके आधार पर उन्होंने मुझे कल्प्रिट बना करके और मेरा बाइकआउट कर दिया और मेरे चैनल पर आने से मना कर दिया, और साहिल साहब को भी मना कर दिया और अपने साथ वाले सारे मुस्लिम को मना कर दिया कि समीर सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ नहीं था तो मेरा नाम समीर था, कि समीर के चैनल पर कोई नहीं जाएगा, ना समीर को कोई अपने चैनल पर बुलाएगा। अगर किसी ने समीर को अपने चैनल पर बुलाया तो मैं उसके चैनल पर नहीं जाऊंगा, और अगर समीर किसी के चैनल पर आया तो मैं वहां नहीं आऊंगा, और आप लोग ना तो उसके साथ जाएंगे, उसके चैनल पर जाएंगे, ना उसका कमेंट लेंगे। इवन दो इसके बाद मैंने बहुत सारे सुपर चैट भेजे साहिल भाई की स्ट्रीम पर, उन्होंने मेरे सुपर चैट भी नहीं लिए। जितनी बार मैंने बैक स्टेज में जा करके जुड़ने की कोशिश की बात करने के लिए, मुझे हर बार किकआउट कर दिया गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कोई बात नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं साहिल और एडम, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं इस्लाम को एक्सपोज करने का, तो मैं ये चीज़ सोच करके मोमेंट के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। और मेरे चैनल से कभी भी आपने एक भी वर्ड मुझे साहिल और एडम के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा, जबकि पिछले 1.5 साल से ये चल रहा है, मेरा 1.5 साल से बाइकॉट है। और जो अक्सर लोग आकर के मुझे पूछते हैं कि आप एडम और साहिल के साथ स्ट्रीम क्यों नहीं करते, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि एडम साहब ने सबको ये गाइडेंस दिया था कि वो मेरा बाइकॉट करें, और साहिल साहब ने एडम साहब को खुश करने के लिए मुझे बाइकॉट कर दिया। इवन दो मेरे जो स्ट्रीम के दिन थे मंडे और थर्सडे, उन पर उन्होंने अलग अलग एक्स मुस्लिम्स के स्ट्रीम करवाए ताकि मेरा जो व्यूवरशिप है वो कॉलेप्स हो जाए और मेरा जो चैनल है वो बंद हो जाए और मेरी स्ट्रीम खत्म हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडम साहब ने की है, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि इस जो ये जो मूवमेंट है मुस्लिम मूवमेंट, इस पर इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी सोचता है मेरे बारे में डजन मैटर, बट इस्लाम के लिए साहिल और एडम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो मैं इसको कॉलेप्स नहीं, इसको मैं जो है ना डेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खामोश था। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि नफरत का आलम यह है कि जब मैंने कई बार जाकर के एडम साहब से उनके स्काइप पर या उनके डिस्कॉर्ड पर उनको मैसेज करने की कोशिश की कि भाई आपकी और मेरी ईगो या आपकी और मेरा जो एटीट्यूड है या जो आपका मेरा गुस्सा है वो इस मोमेंट से बड़ा नहीं है, लेट्स यूनाइट फॉर दिस मोमेंट, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे चैनल पर कभी नहीं आऊँगा। मैंने बोला भाई मत आओ, आप मेरे चैनल पर मत आओ, मैं नहीं बोलूँगा आप मेरे चैनल पर आओ, ना मैं बोलूँगा आप मुझे अपने चैनल पर बुलाओ, पर लोगों को ये मैसेज कन्वे मत करना कि भाई हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम है या आप मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन उसके बाद भी
जब तुफैल दादा के चैनल पर एडम साहब गए तो उन्होंने वहां मेरे बारे में तीन बातें कही। नंबर एक तो ये कही एडम साहब ने कि अच्छा ये नाराजगी जो है ना इतनी हद तक नहीं थी, जब मैंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ा तो वो नाराज थे सिर्फ, लेकिन जब मैंने सनातन को एक्सेप्ट कर लिया एट द एंड तब वो मुझ पर इतना भड़क गए कि उन्होंने सबको ऑर्डर दे दिया कि उसको ना तो कोई अपनी स्ट्रीम में लेगा, ना उसकी स्ट्रीम में कोई जाएगा, ना उस स्ट्रीम को कोई सुनेगा, ना कोई एक्स मुस्लिम उसको जाकर के सुनेगा। और ये बातें अगर आपको सुननी है आप मुन्ना भाई की स्ट्रीम देखिए, आप अली को सुनिए, देसी भाई को सुनिए, उन सब लोगों ने बाकायदा अपनी स्ट्रीम पर ये सारी बातें एक्सेप्ट करी हैं कि एडम ने उनको ये बात कही थी, उनको उसको कोई नहीं लेगा, ना उसके पास कोई जाएगा, ना उसको कोई बुलाएगा। इसीलिए बहुत सारे एक्स मुस्लिम मेरे पास नहीं आते थे और ना एडम कभी आता था और ना साहिल साहब कभी लेते थे। इसके अलावा जो मैं सुपर चैट भेजता था साहिल साहब के चैनल के ऊपर, साहिल साहब मेरा सुपर चैट भी इग्नोर करते थे, लेते नहीं थे मेरा सुपर चैट। हालांकि 400 का भी सुपर चैट भेजा, 200 का भी भेजा, लेकिन 100 का भी भेजा, 110 का भी भेजा, कभी मेरा सुपर चैट नहीं उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तुफैल दादा के चैनल पर जाकर के एक दिन एडम साहब ने यह कहा कि समीर जो है ना वो एक किड है, बच्चा है, उसको मैंने बैक स्टेज में बिठा करके शुरू में जब वो आया था सब कुछ सिखाया, जो कि मेरी क्रेडिबिलिटी पर और मेरी नॉलेज पर एक बड़ा सवाल था। एडम ने मुझे जिंदगी में कभी भी बैक स्टेज में बैठा करके कोई भी चीज़ नहीं सिखाई सिवाय इसके कि मैंने उससे पूछा था कि भाई हम लोग चैनल के ऊपर स्ट्रीम के ऊपर किसी को मोड एडमिन कैसे बनाते हैं, मैं आपको बनाना चाहता हूं। और दूसरी बात ये सिवाय इसके कि अगर किसी को हमें पोजीशन चेंज करना हो स्ट्रीम पर ऐसे यहां से वहां लाना हो तो ये कैसे करते हैं, ये दो चीज़ उन्होंने मुझे ज़रूर बताई थी। इसके अलावा उन्होंने सर मुझे कुछ भी नहीं बताया कभी, ना कोई इस्लाम का ज्ञान दिया, ना कुछ मुझे एक्स मुस्लिम बनाया, क्योंकि मैं तो 2018 से एक्स मुस्लिम था सर। एडम साहब तो आए ही 2020 के लास्ट और 21 में है, तो मेरे 2018 से एक मुस्लिम था। जब मैं पहली बार जुड़ा था साहिल भाई के चैनल पर, जब सच वाला जो एडम तीनों वहाँ थे, तो मैंने आते ही बताया था कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं तो ये सोचता था कि मैं अकेला हूँ ऐसा, पर आप लोगों को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे और बहुत हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जब मैंने ऑल इंडिया एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की थी तो उसमें मुझे मेन चंद एक्स मुस्लिमों की ज़रूरत थी जो इसका हिस्सा बनते, और मैंने ये रिक्वेस्ट किया था साहिल भाई और सच वाला जी को कि आप दोनों अपने अपने आईडी प्रूफ इसमें लगाएं और साइन कर दें फॉर्म के ऊपर, ताकि हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट और इस एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, और मैं चाहता हूं कि आप उसको लीड करें। साहिल भाई और सचवाला जी आप दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने, मुझे तो छोटा सा एक कार्यकर्ता के रूप में उसमें रखें, मैं तो आप लोगों के अंडर रह करके काम करूंगा। तो मुझे साहिल भाई ने या किसी ने भी मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और उस मूवमेंट को बनाने में मेरा सहयोग नहीं किया, मैं तब भी चुप रहा और मैंने एट द एंड अकेले थक करके मैं शांत होकर के बैठ गया। इसके बाद बात यह हुई कि जब संजय दीक्षित जी के चैनल पर एडम भाई और साहिल भाई दोनों गए थे टॉपिक पर, तो वहां साहिल भाई ने यह कहा कि जब संजय दीक्षित जी ने पूछा कि वो मूवमेंट बनाने को और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो साहिल साहब ने यह कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में बनाएंगे, पहले हम अपनी जान ही बचा लें, हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं, जो कि असल में साहिल भाई की एक्टिविटी को देखते हुए लगता नहीं है, क्योंकि वो अजमेर राजस्थान चले जाते हैं घूमने, दरगाह पर चले जाते हैं, और वहाँ उनका जो गाइड होता है वो एक मुसलमान होता है। इसके अलावा वो क्रिकेट मैच देख करके आते हैं स्टूडियो में और रोड पर चलते हुए वीडियो बनाते हैं, कोई मास्क नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, खुलेआम घूम रहे होते हैं, जिससे साबित होता है कि उनकी जान को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं कि हर एक इंसान उनको मारने घूम रहा है, फिर भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाने में यह कहकर के सपोर्ट करने से मना कर दिया कि हमारी जान को खतरा है, हम नहीं बना सकते। अब आगे उन्होंने दूसरी बात जो तुफैल दादा के चैनल पर बोली वो ये बोली कि जो समीर है, समीर वो इमेच्योर पर्सन है और मैं उसकी स्ट्रीम पर कभी नहीं जाऊंगा टू सपोर्ट हिम। मुझे तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी एडम साहब के, कभी भी नहीं थी, ना आज है ना कल थी ना आगे होगी, लेकिन उस आदमी ने किस वजह से कि मैंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया और मैंने सनातन को एक्सेप्ट किया, उस आदमी ने मुझे बायकॉट किया और उस आदमी ने सारे चैनलों को बाकायदा खुल्लम खुल्ला ये बोला कि जो समीर की स्ट्रीम पर जाएगा उसके चैनल पर मैं नहीं आऊँगा, जो समीर को बुलाएगा उसके साथ स्टेज मैं नहीं शेयर करूँगा। इवन एक स्ट्रीम में मुन्ना भाई की मैं चला गया था तो एडम ने उसको बोला तूने समीर को क्यों लिया, अगर तू समीर को लेगा तो मैं तेरी स्ट्रीम पर नहीं आऊँगा, अभी के अभी वो स्ट्रीम प्राइवेट कर जिसमें समीर आया था, उसका पार्ट पार्ट करके हटा उसमें से जितना वो इससे मैं बात किया है। तो ये वाली चीज़ें उन्होंने की है। तो सर मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं है साहिल के साथ, एडम को मुझसे प्रॉब्लम है और एडम को मुझसे प्रॉब्लम है इसलिए साहिल ने भी मुझे बायकॉट करने का काम किया। मेरी स्ट्रीम को अलग करने के लिए इन लोगों ने 4 एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीमें तय करवाई मेरे दिनों पर
और बाकायदा अपनी स्ट्रीमों में इन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर के अनाउंस किया कि फला दिन इसकी स्ट्रीम होगी, फला दिन इसकी स्ट्रीम होगी। मुझे सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं आती, उल्टा मेरे चैनल को गिराने और दबाने का काम किया गया। दो बार मैंने चैनल बंद करने का इरादा किया परेशान होकर के, एक भी बार मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपने आप गिरा, अपने आप खड़ा हुआ, अपने आप चला। इसके बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग उनको अनसब्सक्राइब करें या आप लोग उसको इसके लिए बुरा बोलें। वो जो काम कर रहे हैं इस्लाम की नज़र से वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना सनातनियों से उनकी और सनातन से ये उनकी नफरत को उजागर करता है पूरी तरीके से। अगर आपको सनातन से और सनातनियों से इतनी प्रॉब्लम है कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके सनातन में आ जाए तो आप उसका बायकॉट कर देंगे, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सनातनियों से सुपर चैट मांगे, उनसे आप मदद मांगे, उनसे आप कंट्रीब्यूशन मांगे, फिर आप हिपोक्रेट हैं। और जो आप दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन हमारे एडम साहब को, उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारे एडम भाई डिस्कॉर्ड पर बाकायदा सर्वर चलाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं। एग्नोस्टिक का अलग है, हिंदू सनातनियों का अलग है, वहाँ पे मीठी मीठी बातें होती है। एग्नोस्टिक को जो है कन्विंस किया जाता है क्रिश्चियनिटी के लिए, और बाकायदा एक क्रिश्चियनिटी का अलग सर्वर है उनका, उसके अंदर सारे क्रिश्चियन लोग हैं और वहाँ बैठ करके ये मीटिंग की जाती है कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को फैलाना है और किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करना है। और एडम साहब की अपनी जुबान में उनकी अपनी स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 10 से 15 हिंदू एक्स हिंदू होकर के क्रिश्चियन बन गए हैं और बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर उनकी टेस्टिमनी लाऊंगा। यानी कि आप जो पैसा दे रहे हैं इसलिए कि इस्लाम के ताल्लुक से अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इस्लाम को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा काम है। लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का जो इस्तेमाल हमारे एडम साहब कर रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने और लड़कियों को कन्वर्ट करने, इसके अलावा एक्स मुस्लिम लड़कियों को सर्वर में ला करके उनके अपने लोग, उनके अपने मॉड और उनके अपने सर्वर के जो एडमिन्स हैं वो उनको वीडियो कॉल पर सड्यूस करने का काम करते हैं, उन एक्स मुस्लिम लड़कियों के कपड़े उतरवाते हैं, उनके वीडियो शूट करते हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये सब उनके सर्वर पर हुआ है, और जब उनको इसके बारे में शिकायत की गई तब उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए उस आदमी को हटाया चंद दिनों के लिए। वो ऐसा करने वाला आदमी आज भी फिर से उनके चैनल को मोड़ कर रहा है, साहिल भाई के भी और एडम भाई के भी। और मुझे कोई डर नहीं है किसी के भी बारे में बोलने से इसके लिए, क्योंकि सबके प्रूफ सबके पास मौजूद हैं। उस मोड़ का नाम है अमित नहाटा, जो कि आज की डेट में ऐसा करता है कि वो पाकिस्तानियों को, जैसे सच्चा मुस्लिम, वकास खान, मोहम्मद अली, इनके सबके नंबर लेके रखा हुआ है और वो उनको बुला करके अपने चैनल पर बैठाता है ताकि व्यूज और TRP बढ़े, और वो सारे के सारे लोग बैठ करके सनातनी देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं, और ना तो वो उनको म्यूट करता है, ना वो उनको रोकता है, ना वो उनको बैकस्टेज करता है। आज से 5 दिन पहले जब मैं दीनी भाई की स्ट्रीम पर जुड़ा था तो दीनी भाई ने जो है 2 मिनट के लिए बाहर चले गए थे। उस टाइम पर वहां पर वकास खान था, वकास खान ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी हिंदू देवी देवताओं को, और मैंने जब उसको बोला कि अमित तुम लोग, तुम यहाँ मोड हो, तुम यहाँ एडमिन हो, तुम चाहो तो इसको म्यूट कर सकते हो, तुम इसको बैक स्टेज कर सकते हो, पर तुम बैठ करके यहाँ इसे सनातनी देवी देवताओं को, सनातन को गालियाँ दिलवा रहे हो, तो फिर तो लोग तुम्हारे बारे में सही बोलते हैं कि तुम इनको बुला करके गालियाँ दिलवाते हो। तो इस पर नहाटा साहब ने मुझे ये जवाब दिया, वो स्ट्रीम आज भी है, ऑनलाइन है, जाकर के देख लीजिएगा, कल परसों की 4-5 दिन 4 दिन पहले की स्ट्रीम है दीनी भाई की, जहाँ मैं जुड़ा था। तो वहाँ पर ये बोला कि उसको छोड़िए, कौन क्या कहता है, आप अपनी बात रखिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, जो मैं यहाँ करके अपनी बात रखूँ, तुम्हारी TRP बढ़ाऊँ, इसके बाद के तुम्हारे यहाँ तुम्हारे चैनल के ऊपर मेरे सनातनी संस्कृति और देवी देवताओं को यहाँ गाली दी जा रही है, मैं वहाँ से सीधा एग्जिट कर गया और बाहर निकल गया। तो ये सारा का सारा काम एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर किया जा रहा है, जो गलत है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, या आप इस्लाम का जो कंटेंट बना रहे हैं, या आप इस्लाम को जो एक्सपोज कर रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ साहिल भाई और एडम सिकर को, मुझे आज भी कोई एतराज नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो धोखेबाजी, जो चीटिंग आप सनातनियों के साथ कर रहे हैं, ये गलत है, ये सरासर गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरा बायकॉट आपने किया हुआ है 1.5 साल से, मैंने कभी एक वर्ड आपके खिलाफ नहीं बोला, पर अब आपने हद पार कर दी है, क्योंकि अब आप जो है गलत फायदा उठा रहे हैं, और हमारे जो सनातनी भाई उनको जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के लिए कि वो इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनसे ये भी सवाल पूछ लें भाई कि आप लोग जो है ना, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग लड़कियों को और लड़कों को अपने सर्वर में क्रिश्चियनिटी की टीचिंग करते हैं और क्रिश्चियनिटी को आप लोग प्रमोट करते हैं और आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, मैंने जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो किया और इस्लाम से निकलकर एक्स मुस्लिम बना, मुझे हक है इस्लाम पर बात करने का,
ठीक उसी तरीके से मैं 15 दिन का क्रिश्चियन भी हूँ, तो मैंने क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट किया और फिर उसको छोड़ा, तो मैं एक्स मुस्लिम के साथ साथ एक्स क्रिश्चियन भी हूँ। और मेरा अगला कदम ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो आप लोग नहीं फील कर पा रहे इंडिया में रहते हुए, जिस तरीके से इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है उससे ज़्यादा कट्टर जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और मैं अब जो है साथ ही साथ इस्लाम के साथ साथ मैं क्रिश्चियनिटी को भी क्रिटिसाइज करूंगा, और क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स हैं जो उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई है मैं उसको भी अब दुनिया के सामने रखूंगा। मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है सनातनी सिद्धार्थ के नाम से, मेरा बैकअप चैनल, जहाँ पे मैं सनातन पे बात करूंगा, इनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, अलग अलग स्कॉलर्स को बुला करके टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। और अपने इस चैनल पे मैं सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा, मुसलमानों से बात करूंगा। लेकिन जो मेरा तीसरा चैनल है एक्स मुस्लिम समीर इंग्लिश, उसको मैं करने वाला हूँ एक्स क्रिश्चियन समीर, और वहां पर मैं क्रिश्चियनिटी पर बात करूंगा। अगर एडम साहब अपनी क्रिश्चियनिटी का दिफा करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा, वो आए और आकर के अपनी क्रिश्चियनिटी को अच्छा नहीं सिर्फ इस्लाम से बेहतर साबित कर दें मुझे, कि देखो इस्लाम से बेहतर है मेरी क्रिश्चियनिटी और ये रही। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। अब जो लोग ये कह रहे हैं जेलेसी, तो उन लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये बात कोई ऐसा आदमी कह रहा होता जिसके सब्सक्राइबर एडम से बहुत कम है, जिसकी रीच एडम से बहुत कम है, तो आपकी ये बात जो है ना वो लॉजिकल लगती कि हाँ भाई ये छोटा है इसलिए उसका नाम लेकर के या उसको गलत बोल करके ये जो है शोहरत हासिल करना चाह रहा है, या समझ रहे हो आप, मतलब ये जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, स्टंट कर रहा है ताकि ये फेमस हो जाए। लेकिन भाई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी एडम से ज़्यादा हैं, मेरी रीच भी एडम से ज़्यादा है, तो मुझे उससे जेलसी नहीं है, पर मैं आप लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहा हूँ। अगर बंद रख के रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज के बाद इसके बारे में बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं एक बार बोलता हूँ रोज रोज भौंकना मेरा काम नहीं है भाई, रोज रोज मैं नहीं भौंकता, मैं केवल एक बार बोलता हूँ, बोल दिया जो बोलना था। बुधवार को जा रहा हूँ अजय आर्या के चैनल के ऊपर, सारे प्रूफ के साथ ये साबित करूंगा कि एडम ने कैसे मेरा बाइकॉट करवाया, विद स्क्रीनशॉट मैसेजेस, विद ऑडियो वीडियो सब कुछ मैं वहां दिखाऊंगा, एडम ने कैसे सनातनी बनने पर और एडम ने कैसे क्रिश्चियनिटी को छोड़कर मुझे जो है छोड़ने पर मुझे बाइकआउट किया, मुझे साइड करने का काम किया, मुझे टारगेट किया, तो ये उसकी सनातन के प्रति नफरत दिखाता है। इसके अलावा एक बार नहीं, 2-3-4 बार कभी हिंदू देवी देवताओं को, कभी हिंदू संस्कृति को, कभी वेदों को गाली देने का काम किया है एडम सिकर ने, और बार बार गाली दे करके माफ़ी मांग लेता है। तो भाई हम सनातनियों के दिल तो बड़े होते हैं, हम तो बार बार माफ़ कर देते हैं सबको, बार बार माफ़ कर देते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो एडम साहब को अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं आंख बंद करके, वो जरा जा करके एडम साहब का जो इंग्लिश वाला चैनल है, या वो जो शेम शमून का चैनल है, जो क्रिश्चियन प्रिंस का चैनल है, उस पर जितने भी उनके वीडियोज हैं, अपीरियंस है, जरा उनको भी जाके सुन लें कि उनकी राय क्या है, उनकी राय क्या है आप लोगों के बारे में, वो भी आपको पता चल जाएगा। मुस्लिम अली खान कह रहे हैं समीर गलत मत बोलो, ठीक है सर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा भाई, आज के बाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, इस मुस्लिम मूवमेंट को डेंट करना नहीं है, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। अगर आपको वो सच्चाई नहीं लग रही है, सही नहीं लग रही है, तो आप छोड़ सकते हैं उसको, नो प्रॉब्लम इन दैट, नो प्रॉब्लम, आई एम डन विद माई कॉमेंट।